मौसम हो रही बारिश के चलते किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों को फसल पककर उनकी तैयार हो गई है, लेकिन बारिश के चलते फसल भीग चुकी है। 1 दिसंबर से धान खरीदी होनी है, लेकिन बारिश की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों को फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। हमारे साथ कुछ युवा किसान जुड़े हैं जिनके खेत में हम पहुंचे हुए हैं। किस तरह का नुकसान हो रहा है उनको, आइए जानते हैं उन्हीं से। अभी अपना नाम बता देंगे। जी, मेरा नाम है अंशु राजवाड़े, मैं श्रीगढ़ का रहने वाला हूँ। रजवाड़े जी, जो ये जो धान है इसको कब से काट के रखे हैं और ये जो बेचने के लिए अभी जाना है तो समय है, बारिश के कारण किस तरह का नुकसान हो रहा है? जी, मौसम का एकदम, अब हमारा मशीन जो है वो आ नहीं पा रहा, और अभी धान जो है हमारा गिल्ला हो चुका है पूरा, तो बस अब धूप निकले तो फिर थोड़ा धान पर सूख सूख जाए फिर मैन दिक्कत होगा। ये है सर कि हम लोग को ये नुकसान हो रहा है कि धान भीग जा रहा है, तो मेन दिक्कत ये है कि इसमें जर्मिनेशन हो जा रहा है, तो जो बाद में जाके दिक्कत होगा, इसका रेट कम हो जाएगा और क्वालिटी में इसका कमी आएगा, तो कोई भी होगा तो अच्छे रेट में नहीं लगा इसको। किस तरह का नुकसान हो रहा है, लेट जो विलंब हो रहा है खरीदी में धान? रेट का वजह हुआ है क्या है सर? जो देखिए, गवर्नमेंट पहले जो है वो 1 नंबर से खरीदती थी धान, जो है अभी 1 दिसंबर बढ़ा दिया। अब चूंकि और लेबर प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, मतलब जो है लेबर मिल नहीं पा रहे हैं, मतलब इससे और दिक्कतें बढ़ गई। वेदर जो है देख रहे हैं, मतलब गीला गीला मौके नहीं लग रहा है, मतलब जो है ना कि कैसे इसको जो है अपन साफ सफाई करें और मतलब मंडी तक पहुँचाएं। धान कितना भीग चुका होगा, कितना नुकसान हो रहा है अभी? अभी लगभग लगभग जो 25% तो हो ही गया है सर, जो है यहाँ तो खेत में ये रखा हुआ है और अपना खलिहान में भी रखा हुआ है, जो खाने वाले जो है खलिहान में है, ये जो है इसको अपन सोसाइटी में देते हैं ना, तो इसलिए इसको बाहर मतलब जगह अंदर तो जगह है नहीं इतना, मतलब जो है ये कितना होगा धान जो है, ये कितना एकड़ का धान है और इसकी कीमत क्या होगी? ये लगभग जो है 5 एकड़ का धान है सर, ये पायनियर का है, 36 पी 27 पी 31 वेराइटी का है ये जो है, और ये लगभग लगभग 1.5 लाख से ऊपर ही का होगा, मतलब जो है। तो कुल मिलाकर के मतलब ये है कि इनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, ये जो अचानक से जो मौसम में परिवर्तन आया है जिस कारण से जो है कि कई किसान जो है अपने धान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अंबिकापुर से राम कुमार यादव, स्वराज एक्सप्रेस। वो खबर रायगढ़ से जहां पर जिला योजना समिति के